तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बनारस की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ और 11 जगहों पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी की गई है पूरे रोड शो के दौरान। इस पूरे रास्ते में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, आम जनता, महिला, पुरुष सभी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक को बेताब दिख रहे हैं सभी। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री लगातार पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और काशी की ये तस्वीर देखिए, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे हैं अलग अलग मौकों पर। अगर चुनावी माहौल की बात की जाए तो 2014, 2019 और 2024 का ये रोड शो, तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। रोड शो की तस्वीर, प्रधानमंत्री का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है वहां पर आपको भीड़ नजर आ रही होगी, जनसैलाब दिख रहा है, जहां जहां तक निगाहें जा रही है लोग कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। गली पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है, लोग बालकनी में घरों की छतों मौजूद है, वहां से प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस रथ पर सवार हैं और यह रथ विजय का रथ है। प्रधानमंत्री तीसरी बार बनारस से संसद जाने को कल नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। कल भी एक शक्ति प्रदर्शन की तरह होगा जब प्रधानमंत्री नामांकन करेंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद होंगे, 20 मंत्री, केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे उनके साथ और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक मौजूद होंगे प्रधानमंत्री के साथ। वो एक अलग शक्ति प्रदर्शन होगा। कल काल भैरव के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री, बीजेपी नेताओं के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। उससे पहले आज काशी की जनता के बीच प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उनके रोड शो में हर तरफ देख रहे हैं, बीजेपी का झंडा लहरा रहा है और वहीं भगवा रंग के गुब्बारों से, फूलों से पूरे बनारस को सजाया गया है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज 18 पर लगातार आप ये मेगा कवरेज देख रहे हैं। अनूप गुप्ता का रुख कर लेते हैं जो कि गदौलिया चौराहे पर मौजूद है और थोड़ी देर में पीएम गदौलिया चौराहे तक पहुंचेंगे। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पीएम का इंतजार कर रहे हैं, उनकी एक झलक पाने को बेताब है। अनूप जी, आपके पास आती हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा काफिले? अनूप गुप्ता, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है। और आपको बताऊं कि सभी को यहाँ इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहाँ पहुँचते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे, उनकी एक झलक मिल रहा है, इसके लिए लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दूँ, कुछ लोग हैं, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, कुछ ही देर में ये यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी का कितना महत्व है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए काशी का कहीं ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब वो विदेशों में भी जाते हैं तो वो काशी का नाम लेते हैं कि मेरी काशी। आप देख सकते हैं कितने उत्साह से पूरी काशी उमड़ी है, कम से कम 21 जो है 21 पॉइंट बनी हुई है। ये हमारा दक्षिणी विधानसभा है, नीलकंठ तिवारी जी के नेतृत्व में ये सब सजावट हुई है और हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं, भव्य स्वागत करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से जब वाराणसी आए थे तो कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन आज ये काशी के होके रह गए हैं। क्या आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में काशी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? काशी में बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जब से उनके चरण काशी में पड़े हैं 2014 से, उसके बाद परिवर्तन ही परिवर्तन हुआ है और भव्य काशी, सुंदर काशी और निर्मल काशी बना दिया है उन्होंने। आप ये बताइए कि क्या ये काशी के जनता के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ का जो सांसद है वो देश के प्रधानमंत्री? देखिए, देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी मानी जाती है और देश को आगे बढ़ाने वाले विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं। जब 2014 में उन्होंने यहाँ से तय किया कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा, निश्चित ही काशी के लोग यह बार स्वीकार कर चुके थे कि अगर वो बनारस में आएंगे तो निश्चित ही बड़ा परिवर्तन करके जाएंगे और निश्चित काशी उनको अपना चुकी है और मेरी काशी भव्य काशी का जो संपूर्ण नारा उन्होंने दिया है, इस बार पुनः 400 पार सीट पाके हम लोग बातचीत आप जारी रखेगा, हम आपके पास लौटेंगे। सौरभ जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, ये तस्वीरें ही काफी कुछ बताती हैं, अगर स्पेशली रोड शो की बात करें
इसमें एक तरह से लघु भारत की झलक नजर आ रही है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, डमरों की निनाद है, वहां पर जिस तरह से लोग नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग नजर आ रहे हैं, तो एक लघु भारत की झलक तो है ही, लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ बताती हैं आने वाले चुनावों के मद्देनजर रिजल्ट्स को लेकर भी। सौरभ जी को शायद आवाज नहीं पहुंच रही, आस्था का रुख कर लेते हैं। आस्था, ऐसा लग रहा है कि मददपुरा इलाके से निश्चित तौर पर निकल रहा है। आज का ये चौथे चरण का चुनाव एक निर्णायक चुनाव की स्थिति में आ चुका है, और ऐसे में रोड शो बनारस में, देखिए काशी धर्म की नगरी है, काशी ज्ञान की नगरी है, काशी विज्ञान की नगरी है, काशी अध्यात्म की नगरी है और काशी मोक्ष की नगरी है। और मोदी जी ने कहा कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, ये जो नारा उस समय उन्होंने दिया, और 2014, 2019 और 2024 उत्तरोत्तर बराबर यह मत प्रतिशत और जन सैलाब और समर्थन और लोगों का प्यार मोदी के प्रति बढ़ता ही बढ़ता दिख रहा है। इसलिए पूरे पूर्वांचल पर इसका असर है, पूरे भारत पर इसका असर है, और मोदी करिश्माई व्यक्तित्व है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। मोदी इस चीज को जानते हैं कि उनको कब क्या खेलना है, मोदी इस चीज को समझते हैं कि भारत की राजनीति का मिजाज क्या है, यहाँ की खास करके उत्तर प्रदेश की तासीर क्या है, और हिंदू धर्म की बात यानी सबका साथ सबका विकास, इन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में चलते हुए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि अलग अलग सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, हर एक जानकारी के साथ हर एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी आस्था कौशिक भी वहां पर मौजूद है। आस्था, आपके आसपास कैसी तस्वीरें जरा दिखाएं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, विश्वनाथ धाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, काशी विश्वनाथ मंदिर मेरे पीछे है और ये इस रोड शो का अंतिम पड़ाव है। जबरदस्त रौनक यहां पर लगी हुई है, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे मंच बनाया गया है, वहां से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को भाषण दिया जा रहा है, आते जाते लोगों को राम मंदिर के संघर्ष की कहानी बताई जा रही है, काशी कॉरिडोर कैसे बन के तैयार हुआ, जो संघर्ष रहा वो सब बताया जा रहा है, और इसके साथ ही सजावट भी आप यहां पर देखिए, खूबसूरत लाइटिंग की गई है, फूलों से सजावट की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता है जो हाथों में कमल का फूल लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही काशी के लोकल लोग भी, और एक दिलचस्प किरदार हमारे बीच में है, ये देखिए मैं इन्हीं को ट्रैक कर रही थी। ये बताइए, ये आपका पूरा जो गेटअप है ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार, ये तो मोदी जी मंच से कह रहे हैं। तो आपको क्यों पसंद है प्रधानमंत्री मोदी जी, ये आपकी इच्छा है कि फिर से प्रधानमंत्री बने? इसीलिए आपने ये गेटअप बनाया पूरा। क्या नाम है आपका? लक्ष्य डेरोलिया। लक्ष्य, लक्ष्य आपकी क्या एज है? 13। तो यानी आप 7th-8th क्लास में होंगे? Yes। तो आप पॉलिटिक्स की जानकारी रखते हैं, देखते हैं न्यूज व्यूज, राजनीति देखते हैं कुछ भी? नहीं देखते, लेकिन पीएम का गेटअप आपने बनाया, पसंद करते हैं पीएम को? हाँ। आपको क्या बात अच्छी लगती है उनकी पर्सनालिटी में, या वो जो जिस तरह से स्पीचेस देते हैं, वो सफाई सिखाते हैं सबको, और काशी में सफाई हो रही है? हाँ। आप बनारस के रहने वाले हैं? हाँ। तो अभी कितनी साफ सफाई यहाँ पर है, और पहले कैसा था? पहले कैसा था और अब कितनी साफ सफाई है? बहुत ज्यादा। आप मदर हैं इनकी? जी, आप, मुझे लग रहा है आप भी फैन है, इसीलिए आपने बेटे को ये गेटअप दिया है, ये खुद फैन है। तो बताइए महिलाएं क्यों वोट दें प्रधानमंत्री मोदी को? क्योंकि उनके कारण महिलाएं सेफ हो गई है, पहले से जो महिलाएं रात को डरती थी निकलने के लिए, अब सब निकलने लगी, और हम लोग इस समय देखिए इतनी भीड़ में जेंट्सों की भी हम लोग भी सेफली निकल रहे हैं। इस वजह से मोदी के आने से बनारस में भी सफाई भी हो गई है, लोग सुधर गए पहले से काफी। चलिए, बेस्ट विशेस मिनी मोदी जी आपको भी, और आपको भी कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए, आप काशी में रहते हैं? काशी में रहते हैं, क्या बताया काशी पास लौटेंगे? 5 महीना से रह रहे हैं, इस बीच में भी बहुत बदला, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच नितिन का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, आप बताएं कि इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, क्या वहां से काफिला गुजर चुका है या पहुंचने वाला है? नहीं, अभी बताया जा रहा है मैं मदनपुरा में मौजूद हूं, और मदनपुरा में अभी कुछ देर में ही काफिला आने वाला है। काफिला की जो सूचना है वो शिवाला इलाके में है। आपको बता दें भारी संख्या में लोग यहां पर सड़क पर हैं और अपने नेता के इंतजार में हैं। इस बीच पुलिस कर्मी जरूर पहुंच गए हैं और रोड को खाली कराया जा रहा है और सैनिटाइज कराया जा रहा है।
निश्चित तौर पे अभी थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पहुंचेगा और लोग जो सुबह दोपहर से इंतजार कर रहे हैं इस रोड शो का, वो अपने प्रधानमंत्री को देखेंगे, मिलेंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे। तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ा आयोजन है और इस आयोजन को लेकर के जो 5 किलोमीटर का यह पूरा एरिया है उससे संबंधित तमाम लोगों को जब आप देखें और विजुअल्स देखें तो ये साफ पता लगता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, पंथ, जाति से उठकर लोग इस रोड शो को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनूप, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जैसा कि नितिन भी बता रहे थे कि अलग अलग जाति के अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने के लिए पहुंचे हैं, तो एक तरह से यहाँ पर मिनी इंडिया की झलक भी नजर आ रही है जो हम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5 किलोमीटर का रोड शो 5 सालों का रोड मैप भी तैयार करता है। देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन पूर्वांचल की एक अपनी खासियत है। अगर पूर्वांचल के लोगों से अगर हम बात करें तो देश की राजनीति की दशा और दिशा किस ओर चल रही है वो सारी बातें ये लोग बता देते हैं। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हालांकि बीजेपी के ज़्यादा मौजूद हैं चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में विपक्ष बीजेपी को चुनौती दे पा रहा है? विपक्ष पूरी तरह से विभाजित है और इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे और मोदी जी भूतान भविष्य और मोदी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देश को मिलेगा। मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। दुनिया पे अंदाज दिखाते हैं। ये बताइए कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ये चुनौती बीजेपी को दे पाएगी? बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो विजन लेकर मोदी जी चलते हैं वो किसी और की सोच में दिखा नहीं पहुंच सकती। इसलिए हर हर महादेव, अब की बार जय जो पार, अब की बार जय जो पार। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं, पिछली बार स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया, अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं जो परंपरागत सीट है। आपको लगता है कि इस बार वो जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं, और भी ज़्यादा अंतर से जो राहुल गांधी हारेंगे जमानत भी बच न पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास सौरभ जी का रुख कर लेते हैं। सोच नहीं है सौरभ जी, वो भारत में रह के पाकिस्तान के भाषा बोलते हैं। हम लोग उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है, प्रधानमंत्री ना कहें नरेंद्र मोदी की ये खासियत है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी और जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तब भी आम लोगों के साथ खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। चाहे वो जनसभा कर रहे हो, रोड शो कर रहे हो या फिर किसी और कार्यक्रम में मौजूद हो, वहां मौजूद आम लोगों के साथ उनका कनेक्शन वो देखने को मिलता है। आज के रोड शो में और पिछली बार के रोड शो की बात करें बनारस में, आपको कुछ अंतर दिख रहा है? इस बार सबका साथ सबका विकास का जो नारा बीजेपी का होता है वो रोड शो के दौरान भी दिख रहा है, हर समाज से हर समुदाय से लोग यहां पर मौजूद हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि जनता से कैसे कनेक्ट हो, सभी वर्गों से। वो विद्यार्थियों के बीच में भी बात करते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों के भी बीच में जाके बात करते हैं, वो किसानों से भी बात करते हैं, वो तब सभी महिलाओं से भी बात करते हैं, सभी वर्गों को से उनका सीधा संवाद होता है। इसका मतलब है कि मोदी इस बात को समझते हैं कि भारत की नब्ज क्या चाहती है, भारत की राजनीति में वो चीज़ क्या है जो उनको सर्वाइवल करे, जो उनके लंबे समय तक काम करने का एक अवसर उनको दे सके। वही कारण है कि 2014 के नामांकन और रोड शो बनारस में जब आए थे तो कहा गया था कि गुजरात से आए हुए हैं, गुजरात के आया हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आया है, ऐसा नारा दिया गया था, ऐसा कहा गया था। लेकिन वही मोदी गुजरात के 2014 में जब आए तो काशी बदल गई और 2019 में उससे ज्यादा, और टोटल 2024 तक आते आते 44 बार इन्होंने अपने कार्यकाल में बनारस में आए हैं। एक बात, दूसरी बात, बनारस में विकास के लिए खुद मॉनिटरिंग करना मोदी ने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से ये तो सिद्ध कर दिया और ये दिखा दिया
कि वो अपने न थकते हैं न रुकते हैं और न झुकने वाले हैं, यानी वो इस विचार के इस मिजाज के इस उनकी भीतर की ऐसी तासीर है कि वो जनता से कनेक्ट हो, सभी वर्गों से अलग अलग समुदायों से बात करना, सबके लिए मॉनिटरिंग करना, काम करना, चाहे वो जिस कोविड का पीरियड हो। बनारस की अलग से चिंता किए थे, आपको ध्यान में होगा, आप सबने न्यूज 18 ने उसको खबर भी दिखाई थी और ब्रेक भी किया था। सबसे ज्यादा चिंता पूरे देश की चिंता किए और दुनिया भर में भी कोविड इंजेक्शन भेजे गए थे, लेकिन बनारस की मॉनिटरिंग की एक बड़ी खबर बनी थी, हम सबको याद है वो। तो कुल मिला के मोदी इस बात को समझते हैं कि उनका उनकी जो निजी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां के वो सांसद हैं, जहां के वो प्रतिनिधि हैं, जहां के वो जनप्रतिनिधि हैं, यानी हैं तो देश के पूरे प्रधानमंत्री, लेकिन जहां के चुने गए हैं प्रतिनिधि हैं, वहां से कनेक्ट होना, वहां के लोगों से कनेक्ट होना, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी बात होती है, हर चीज की मॉनिटरिंग करना। कौशिक हमारे सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशा, जब ये रोड शो खत्म होगा, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और ये बात वहां के लोगों को पता भी होगी, जिसको लेकर लोगों की भीड़ एक तरह से हुजूम वहां पर उमड़ा होगा, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है ये तो आप लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन ये जो पूजा पाठ का दौर चलेगा, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, जो पलक पावड़े बिछाकर जनता वहां पर मौजूद है, कैसा उनको अनुभव हो रहा है इस वक्त? आस्था, आपको भी हमारी आवाज आ रही है? आस्था, क्या आप सुन पा रही हैं? आ रही आवाज। आप बताइए, क्या माहौल आप देख रही हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त रौनक है। आइए थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और आपको मैं विस्तार से दिखाती हूँ। ये जो आप इस रेलिंग के पार लोग देख रहे हैं ना, ये सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं से बात करते हैं। किसका इंतजार हो रहा है? बोलो ना। जी, मोदी जी का इंतजार है। किसका इंतजार हो रहा है? कितनी देर से खड़े यहाँ पे? एक घंटे से हो गए। एक घंटे से हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, भीड़ बढ़ती जा रही है। मेरे ठीक सामने काशी विश्वनाथ का जो वीआईपी गेट है, उसकी एंट्री है, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा चुनावी रथ है रुकेगा और प्रधानमंत्री की एंट्री यहीं से होगी। और उसके साथ देखिए कितने सारे लोग पहुंचेंगे। क्या लेकर आए हैं? चार सौ पार। क्यों होगा महादेव? क्यों होगा चार? क्योंकि मोदी जी ने देश का विकास किया है। क्या विकास किया है? अरे बहुत सारा विकास किया है, कैसे करके थक जाएंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे। दो चार चीजें बताइए ना, लाखों लोग देख रहे हैं। देखिए, विश्वनाथ बाबा की नगरी में मैं कुछ आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ कि 24 में मोदी जी आएंगे, आएंगे मोदी जी आएंगे, लेके बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, लेके भारतवासियों का आशीर्वाद, इस बार 400 के पार सीट जीत जाएंगे, मोदी जी आएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बताइए, बनारस तो गलियों का शहर है, विकास केवल घाटों का हुआ है या गलियों तक भी? हर जगह हुआ है, चौतरफा हुआ है बनारस। व्यापारियों को क्या फायदा हुआ है? बहुत फायदा है। क्या? अरे माल उनका अच्छी तरह बिक रहा है, बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, पूरा बिक्री हो रहा है, जम का बिक्री हो रहा है। अनूप, ये जो रोड शो है बहुत ज्यादा खास है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग कटआउट्स भी लगे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री अपने माताजी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हों, कटआउट्स वो भी लगे हुए हैं, अलग अलग जो विभूतियां हैं वो भी नजर आ रही हैं कटआउट्स में। और मदनपुरा अगर जगह की बात करें, वहां पर मुस्लिम समुदाय के कई लोग पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री के रोड शो पर। कैसी तस्वीरें आप जहां मौजूद हैं वहां की? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आमतौर पर आपने सुना होगा कि जब किसी राजनीतिक पार्टी या किसी बड़े नेताओं की रैली या रोड शो होते हैं तो वहाँ पर लोगों को पैसे देकर बुलाए जाते हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने आज देखा है सुबह से ही, जिस तरह की भीड़, जिस तरह से लोगों का उत्साह, जिस तरह से लोगों का जमावड़ा यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, स्वेच्छा से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, भीषण गर्मी है, उसके बावजूद भी लोगों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक उन्हें मिल जाए। अब लगातार लोग आते हैं, इनसे ये बताइए कि मोदी 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 सब सिर्फ मोदी बनारस बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है बनारस का, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रेलवे हो, रोड हो,
हर क्षेत्र में डिफेंस हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। काशी, काशी की पहचान गंगा घाट से भी होती है। गंगा घाट को लेकर के, गंगा घाट को लेकर के उसकी स्वच्छता लगातार सवाल होते हैं। सबका विकास, सबका विकास, चौतरफा विकास, 1000 गली होगा बनारस में, हर गली में काम लगा है, हर गली में विकास है। अनूप जरा ये भी बताएं कि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो रोड शो है, रोड शो के बॉर्डर्स पर हम देख रहे हैं जो कटआउट्स लगे हुए हैं, इसमें पुरानी काशी बनारस और अभी की 5 साल पहले उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें भी लगाई गई हैं, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, इसके भी कटआउट्स लगाए गए हैं। TFC हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, कैंसर हॉस्पिटल्स हो, जो विकास के कार्य बनारस में किए गए हैं उसके कटआउट्स भी वहां पर लगाए गए हैं, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री का सिर्फ चेहरा उनकी लोकप्रियता नहीं, विकास के कार्य भी बनारस में हुए हैं और पुराने बनारस और अब के बनारस में काफी चीजें बदली हैं, नई तस्वीरें देखने को मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो है जिसमें का 101 डमरू दल उनका स्वागत कर रहा है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप कितने तेज से आए, पसीने पसीने हो चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या आखिर में हमारे काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी नहीं बल्कि पूरे देश को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। विकास की एक गंगा बहाया है उन्होंने और हमारी काशी आज हुजूम उमड़ पड़ा है और हर हर महादेव के उद्घोष से हम काशीवासी प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए गौरव अनुभूति हो रही है कि हमारी काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ओर ले जा रहे हैं कि हमारा मान और सम्मान बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बजाया जा रहा है, तो बजाया जा रहा है और जरा हमें ताकि इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकें कि आखिर किस तरीके की रौनक है। और जरा कुछ लोगों से बात करिए, युवाओं से पूछिए कि आखिर जिस तरीके से जब मोदी काशी आते हैं तो किस तरीके का अनुभव, फीलिंग उनको होती है। के पास हम चलेंगे लेकिन आस्था कौशिक भी हमारे साथ हैं। आस्था, सबसे बड़ी बात यह कि आज काशी की सड़कों पर यह जो सैलाब है यह कहीं ना कहीं यह बात साबित भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ कितना बड़ा जनसमर्थन काशी में उनके साथ मौजूद है। अनुपम, सवाल मैं आपका नहीं सुन पाई लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी और जन समर्थन से संबंधित कुछ पूछ रहे थे, तो आइए, ये बीजेपी कार्यकर्ता कुछ हमारे साथ है। बहुत देर से हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ पर हो रहा है और आप लोगों ने अभी से मान लिया है कि प्रधानमंत्री ना सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा इसलिए है मैम कि हम तो पहले सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी जिसको हम मत देते हैं उसके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में मत मांगा जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा सांसद देश का प्रधानमंत्री बनता है और तीसरी बार हम चाहते हैं कि कम से कम 10 लाख वोटों के अंतर से उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर काशी विश्वनाथ के धाम में हम लोग पुण्य हस्ताक्षर कर सके। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल नॉमिनेशन भी फाइल कर देंगे, तीसरी बार मैदान में, अब उम्मीदें और बढ़ गई हैं आपकी? उम्मीद तो थी, है और रहेगी हमेशा। हमने मोदी को दिल दिया, हम लोगों ने, हम लोग बुलाए नहीं, हम लोग खुद आए हैं। बने रहिए क्योंकि जो गजब का उत्साह नजर आ रहा है लोगों के भीतर वो नजर